हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर इन्फो। और जब कभी भी हम बड़े बड़े ऊंचे ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से गुजरते हैं तो हमें एक हमिंग साउंड सुनाई देता है। आखिर बिजली के तारों से ये आवाज क्यों निकलती है, इसके पीछे की साइंस आखिर क्या है, आइए पता लगाने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ट्रांसमिशन लाइन से जो आवाज आती है उसे हम हमिंग साउंड कहते हैं, इसे हिसिंग साउंड भी कहा जाता है। नॉर्मली 220 केवी के ट्रांसमिशन लाइन्स में ये आवाज सुनाई नहीं देती। हाँ, लेकिन कभी कभी अगर बारिश का समय हो तो थोड़ी थोड़ी ये आवाज सुनाई देने लगती है। अगर बारिश का समय ना हो तो ये आवाज सुनाई नहीं देने वाली। वहीं अगर बात करें 400 केवी के ट्रांसमिशन लाइन की तो इसके नीचे हमेशा आवाज सुनाई देगी, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। लेकिन अगर इसी का पावर थोड़ा बढ़ाकर 765 केवी कर दिया जाए तो यहाँ पर हमें आवाज हमेशा सुनाई देगी, और ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, यहाँ पर तेज आवाज सुनाई देगी। यानी कि अगर आप इस ट्रांसमिशन लाइन के बाजू से जाओगे तो आपको ये आवाज आसानी से सुनाई दे जाएगी। ये आवाज हमें कुछ इस तरह से सुनाई देती है। पर आखिर ये आवाज आ क्यों रही है? वेल, इसके तीन कारण हो सकते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक कोरोना। ये कोरोना चाइना वाला कोरोना नहीं है, ये एक इलेक्ट्रिकल कोरोना है। हम जो ट्रांसमिशन टावर्स को देखते हैं वो बहुत ही हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करती है, और इसका कंडक्टर एयर में ही होता है। मतलब कि ये जो सारे वायर्स जो एक टावर से दूसरे टावर में जा रही है, ये कंडक्टर या कहें वायर, ये हवा में ही होती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो हवा इस वायर से कनेक्टेड है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एयर इंसुलेटर होता है, यानी कि एयर के थ्रू करंट पास नहीं हो सकती। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ये एयर भी ब्रेक डाउन हो जाता है और वो एयर करंट को पास होने की इजाजत दे देता है। सपोज ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर से 400 केवी के ट्रांसमिशन लाइन पास हो रही है। यानी कि इस वक्त इस कंडक्टर के अंदर इतना हाई वोल्टेज मौजूद रहने की वजह से इसके आसपास भी कुछ वोल्टेज मौजूद रहेगा। मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 300 केवी वोल्ट प्रेजेंट होगा। 1 सेंटीमीटर और दूर जाएं तो हो सकता है 200 केवी वोल्टेज मौजूद हो, उसके आगे और जाएंगे तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कंडक्टर का वोल्टेज 400 केवी है तो उसके आसपास भी कुछ करंट मौजूद रहता है, और वो लगातार धीरे धीरे कम होता जाता है। यानी कि कंडक्टर से जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वो वोल्टेज बहुत कम होकर मिनिमम हो जाएगा। इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। पर आखिर इस कंडक्टर से वोल्टेज एयर के थ्रू कितनी दूरी तक जा सकता है? दोस्तों, एयर की जो डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 30 केवी पर सेंटीमीटर होती है। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर एयर में से अगर 30 केवी के ऊपर का वोल्टेज फ्लो होगा तो वो एयर एक कंडक्टर का काम करना शुरू कर देगा। यानी कि बिना टच किए भी करंट पास हो सकता है, वहाँ का एयर अब इंसुलेटर का काम नहीं करेगा। दरअसल यहाँ पर होता ये है कि जो 1 सेंटीमीटर के दायरे में जितनी भी एयर होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है, और यही आयोनाइज्ड एयर वोल्टेज को फ्लो होने में मदद करता है। अब बात करें उस आवाज की, तो वो आवाज भी इसी ब्रेकडाउन की वजह से आती है। ये आवाज बारिश के मौसम में थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में एयर इजली ब्रेकडाउन हो जाता है। यही वजह है कि नॉइज भी अधिक आने लगती है। ये ट्रांसमिशन लाइन बहुत ही अधिक पावर को ट्रांसमिट करती है। ये पावर इतना अधिक होता है कि ट्रांसमिशन वायर में या कहे कंडक्टर में वाइब्रेशन होने लगता है। ये वाइब्रेशन भी कारण हो सकता है कि हमें हमिंग साउंड सुनाई दे दे। विंड भी एक कारण हो सकता है हमिंग साउंड के पीछे, लेकिन ये लगभग ना के बराबर है, इसीलिए इसको साइड रखते हैं। मेन साउंड का जो सोर्स होता है वो इलेक्ट्रिकल कोरोना ही होता है, लगभग 90%, और 5-10% वाइब्रेशन की वजह से हो जाता है। तो दोस्तों, अब आपको आइडिया लग गया होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर के नीचे हमें हमिंग साउंड क्यों सुनाई देता है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।